हेलो ऑफिसर, क्या की बात कर रहा हूँ? बताओ कैसे हो? ठीक हूँ सर, बताइए क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी? मदद? क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं रोहन साहब, बस इतना बताइए कि आप है कहाँ? क्यों सर, क्या बात है? आप सवाल बहुत करते हैं, जितना पूछा है वो बताइए। बस यूं ही घर पे हूँ सर, कुछ काम कर रहा था। श्रुति के घर पे हूँ सर। क्यों इन्वेस्टिगेशन को बेवजह कॉम्प्लिकेट कर रहे हो? हम पुलिस वालों को हमारा काम करने दीजिए। अगर आप हमारा काम करेंगे तो बताइए हम क्या करेंगे। लेकिन मैंने ऐसा किया क्या है सर? आपको पता है ना, आपकी वाइफ श्रुति का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। आपका वहां होना, आप एविडेंस के साथ टैम्पर कर रहे हैं रोहन साहब। हाँ, वो एविडेंस जिसने आपने या आपकी टीम ने आकर एक बार भी नहीं देखा। आप लोग आए हैं देखने के लिए, कुछ पता चल जाए, श्रुति का पता चल जाए? नहीं। अरे आप तो जज्बाती हो गए, हम तो आपके भले के लिए ही बोल रहे थे। और जहां तक कोशिश की बात है, आपको पता होना चाहिए कि श्रुति ने 7 दिन तक अपने आप को उस घर में बंद रखा था। लेकिन श्रुति को तो पता था सर, 1 हफ्ते में हमारी कोर्ट में हियरिंग है। बड़ी अजीब बात है, आप दोनों का डिवोर्स होने वाला है और आपके पास श्रुति के घर की चाबी भी है। आप क्या पूछना चाहते हैं सर? बस इतना
आपको कैसे पता चला कि श्रुति लापता है? वो घर पे मेरा काफी सामान पड़ा हुआ है सर, मैं उसे ही लेने आया था। मैंने श्रुति को फोन करने की कोशिश भी की लेकिन उसने मेरा फोन नहीं उठाया। तब मैंने लॉयर से बात की और उसने मुझे आपके और इस सारे इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताया, तो मैं परेशान हो गया और मैं यहाँ आ गया। वैसे श्रुति का गायब होना इससे आपका फायदा तो जरूर होगा। क्या मतलब है सर आपका? क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? वो आप दोनों के बीच कुछ प्रॉपर्टी का सेटलमेंट भी तो होना था। तो उस बात का और श्रुति के गायब होने से क्या कनेक्शन है सर? और वैसे भी उस प्रॉपर्टी को मैंने श्रुति के नाम कर दिया है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो उसके लॉयर को फोन करिए और पूछ लीजिए। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था। हाँ यूं ही। त्यागी जी, अगर आप अपना काम ठीक से कर लेना तो शायद श्रुति का पता चल जाए। चलिए, आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ। अगर आपको कुछ पता चले तो बताना, भूलिएगा मत रोहन साहब। ठीक है, जरूर सर।